हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉर्मल नाबा। दोस्तों, आज का एपिसोड थोड़ा डिफरेंट किस्म का है। आज मैं आपको दिखलाने वाला हूं बोट जर्नी कोट्टायम केरला से एलएफपी केरला, जिसे कि नाम चेंज करके एलफुजा दे दिया गया है। दोस्तों, ये डिफरेंट इसलिए है कि जैसे उसी स्टेट में पब्लिक बसेज होती है, वैसे ही केरला स्टेट गवर्नमेंट ने ये पब्लिक वाटरवे सिस्टम किया हुआ है, जो कि बैकवाटर से होके अलग अलग गांवों के बीच में से निकलती हुई ये अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचती है। और ये जो चीज मैं आपको दिखलाने वाला हूँ, किसी भी ट्रेवल ब्रोशर में नहीं मिलेगी, किसी भी साइट पे नहीं मिलेगी। ये बहुत डिफरेंट किस्म मजेदार होने वाली है। आप आइए और देखिए एंड तक, कमेंट जरूर करना। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलना। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। इसका इस जेटी का नाम है कोडी माता जेटी। यहाँ से एलएफपी सीधा जाएगा, बस डेविएशन होके जाएगा। आपका नाम? मेरा नाम शेखर। शेखर, ओके। मेरा भी फोटो हो गया। हाँ, फोटो हो गया। वीडियो बन रहा है। नहीं, भी वीडियो बन रहा है। अच्छा अच्छा, तो 3 घंटा लगेगा इधर से। हाँ, डेविएशन होके कहाँ बीच में से जाकर के लेक में जाता, विलेजेस में जाता है। ऐसा विलेज नहीं, वहाँ कितनी देर रुकता है वहाँ बोट? कोई नहीं, अच्छा, सीधा निकल जाता। सीधा निकल जाता। तो वे जो कुमाराकम के आगे जेटी, उसका नाम बोला क्या? कवनाचिन गरा है। कवनाचिन गरा, कवनाचिन डेगरा। हाँ, जो गवर्नमेंट जेटी नहीं है, प्राइवेट टूरिस्ट बोट। हाँ, कुमाराकम से था गवर्नमेंट बैट संजरी है। तो दोस्तों, आज मैं आपको दिखलाने जा रहा हूँ केरला की बोट राइड कोट्टायम से एलएफपी। ये स्टेट गवर्नमेंट की पब्लिक बोट है और गांवों के बीच में से होके जाएगी। 18 रुपये किराया लगा है और ये बहुत ही आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस होने वाला है। आप एंड तक प्लीज देखना जरूर। ऐसा लाए, ओए 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 ओए। जेडी बोट है ना, अपने बोट है, पर्सनल बोट है, पेड़ का रहा है ना, क्या कर रही है मारती। तो दोस्तों, ये है केरला के गांवों की मजेदार जिंदगी। बैकवाटर में धोबी घाट भी है और नहाना भी है। तो दोस्तों, तकरीबन 1.25 घंटे की हमारी जर्नी हो चुकी है। सामने ये डिफरेंट को देखने को नजर आ रहे हैं। ये साथ होता तो स्लशी एरिया है, कीचड़ टाइप है, उसके पीछे ट्रीज के पीछे कोई सड़क वगैरह होगी। तो लग रहा है ये छोटे छोटे चैनल बना रखे हैं, जिनके थ्रू छोटी बोट के थ्रू भी आगे उस रोड तक जाते होंगे। ये बैकवाटर के दूसरी तरफ भी इसी तरीके के लग रहे हैं। रीज़न पता नहीं क्या है कि वो काफ़ी चौड़ाई है इसकी, जो जो स्लशी एरिया है। तो दोस्तों, यही है केरला की ब्यूटी। एक साइड विलेजेस थे जिसके कि बैकवाटर के आसपास लोग नहा रहे थे, कपड़े धो रहे थे, और एक ये है गॉड्स ओन कंट्री, जैसे कि अंग्रेजी में बोला जाता है। लो जी, एक और नई चीज़ है। इस भाई ने मुझे वीडियो बनाने के लिए मना कर दिया। ये जो वाटरवेज स्टेट अथॉरिटी है, उसका एम्प्लॉई है और इसका काम है बोट के नीचे जो प्रोपेलर्स लगे होते हैं, जिसमें कि ये पत्ते वगैरह फंस जाते हैं, उसको साफ किया है। लुंगी पहन के अंदर गया था बेचारा। अधिकार के आया और जो तेरे अन्य पैसे बांट के आए हो ना, वो भी अच्छा थी। एनी में कह रही तो अच्छा नहीं थी, पर अभी इंटीरियर से लेके जाओगे। ये मैं एक सनकी हूँ और ये एक अंग्रेज सनकी है, पागलों की तरह केरला के गाँवों के बीच में बोट में घूम रहे हैं। ये मोड़ के ना गांव के बिल्कुल नजदीक ले आया है। ये सामने ये घर नजर आ रहा है, लश ग्रीन मजेदार। और ये सामने ये आया है, ये बोट है, लगता है घर के ओनर की ये पर्सनल बोट होगी, जिससे कि वो अपने पर्सनल काम के लिए यूज करता होगा। लश ग्रीन है गांव के आसपास, घरों के आसपास पूरी ग्रीनरी है, मजेदार। ये है जी केरला के गाँव। ओए, एक और बोट, ये दूसरे घर के ओनर की बोट है ये वाली। क्या है, क्या शानदार चीज़ है यार। और ये अपना मोड़ के लगता है दूसरी तरफ लेके जा रहा है ये। हाँ, ये दूसरे काम नजर आए, क्या मजेदार चीज़। और एक पीछे और चीज़ नजर आ रही है, एक हाउस बोट आ रही है सामने से, ये वाली। अरे हाय, लगता है ये नया बोर्डिंग पॉइंट बन रहा है।
पीछे ना घंटी की आवाज आई है, लगता है कि कंडक्टर उसको रोकने के लिए कह रहा है। अंदर तो रास्ता अलग है, अलग बन गया। गंगा यमुना सरस्वती पता नहीं कितने आएगी वो। ये खाकी वर्दी वाला बाहर गया है और बोट रोक दिया है और पैसेंजर को चढ़ा रहा है। ये भैया मार दी कंडक्टर ने घंटी, पैसेंजर आ गए, अब आप चलाओ। लगता है केरला के गांवों की लाइफ ऐसे ही है, सब ने अपनी छोटी छोटी बोट रखी होती हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए। ये देखो एक अकेला बंदा चला रहा है छोटी सी बोट घरों के बिल्कुल सामने। ये जो सामने आ रही है ना, ये हमारे जैसी बोट जैसी लग रही है बिल्कुल। तो भाई साहब 3.5 घंटे हो गए हैं हमें कोटायाम से चले हुए, और जिस हिसाब से ये नज़र आ रही हैं बोट्स, उससे यही लग रहा है कि हम एलेप्पी ये और यहाँ जिसे एलाफुजा बोला जाता है वहाँ पहुँच चुके हैं। और ये सामने वाटरवेज के साथ जो जो बोट्स लगी हुई लाइन लगा के, ऐसे लगता है कि दूसरे किसी शहर में जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बसें लगी होती हैं वैसे ही लगा के खड़ी हुई है। और ये सामने मुझे राइट साइड पर लगता है कोई होटल टाइप है ये। तो दोस्तों ये मेरी ज़िंदगी का एक बहुत ही सुहाना सफ़र रहा है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको भी पसंद आया होगा। तो दोस्तों इसी के साथ है मेरी सुपर सुपर एक्साइटिंग अनफॉरगेटेबल बोट जर्नी कोटायाम से एलेप्पी हो रही है ख़त्म। थैंक यू।